एवरीवन, वेलकम टू अपनी कक्षा। आई एम आशिता और आज हम पढ़ेंगे फ्लेमिंगो बुक की वो पोएम जो आपके सिलेबस में इसी साल इंक्लूड करी गई है और उसका नाम है अ रोडसाइड स्टैंड। इस पोएम के पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इस पोएम को हम पढ़ेंगे स्टैंजा वाइज ताकि हम कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल मिस आउट ना कर दें। उसके बाद हम आपकी टेक्स्ट बुक देखेंगे जहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें मार्क्ड हैं और हमें एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेंगी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन आंसर्स और नोट्स जिनको पढ़ने के बाद आपकी प्रिपरेशन इस पोएम के लिए एकदम फाइनल हो जाएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं स्टैंजा वन से। स्टैंजा वन है लाइन वन से लेके लाइन सिक्स तक। लाइन वन के फर्स्ट वर्ड्स हैं द लिटिल ओल्ड और लाइन सिक्स के लास्ट वर्ड्स हैं विदरिंग फेंट। हम इस स्टैंजा को पहले डिस्कस कर लेते हैं। इस पोएम में हमें पता चलता है कि पोएट हमसे बात कर रहे हैं कुछ विलेजर्स के बारे में जिन्होंने पैसे कमाने के लिए एक रोड साइड स्टैंड सेट करा है। इस स्टैंड से वो बेचते हैं फ्रूट और वेजिटेबल्स और ये स्टैंड यार सड़क के किनारे पे लगाया गया है ताकि जो सिटी से आता जाता ट्रैफिक है उसका ध्यान इस स्टैंड पर पड़े और वो लोग इनसे कुछ खरीद लें। इस स्टैंड को सेट करने का एक ही पर्पस है ताकि विलेजर्स अपने लिए कुछ पैसे कमा सकें। वो पैसे कमाना चाहते हैं। ये विलेजर्स थोड़े से खुददार किस्म के लोग हैं इसलिए वो भीख मांगना नहीं चाहते और अपनी मेहनत से अपनी लाइफ को बेटर बनाना चाहते हैं। तो स्टैंजा वन में सिर्फ स्टैंड की डिस्क्रिप्शन है, जैसे कि उसकी लोकेशन है एक बिजी रोड के साइड पे। वो बेचते हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। उनका पर्पस है टू अर्न अ लिविंग और वो ये स्टैंड इसलिए सेट करा है उन्होंने ताकि उनको भीख ना मांगनी पड़े। तो हमें इतना तो समझ आ गया है कि जो विलेजर्स हैं उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इतनी अच्छी नहीं है। उस क्वालिटी को बेटर करने के लिए, उसे और बेहतर बनाने के लिए वो कुछ तरीके ढूंढ रहे हैं पैसे कमाने के, ताकि जैसी लाइफ वो देखते हैं सिटीज़ में है, शहरों में है, अच्छी लाइफ है, उसी की चाह में उन्होंने ये रोड साइड स्टैंड सेट करा है। अब आता है स्टैंजा टू। स्टैंजा टू है लाइन सेवन से लेके लाइन फिफ्टीन तक। लाइन सेवन के फर्स्ट वर्ड्स हैं द पॉलिश्ड ट्रैफिक और लाइन फिफ्टीन के लास्ट वर्ड्स हैं गो अलोंग। इस स्टैंजा में हमें पता चलता है कि इस स्टैंड को लगाने का जो पर्पस था वही उल्टा पड़ रहा है। जो भी ट्रैफिक आ रहा है सिटी से वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे इन स्टैंड्स पर और आगे चले जा रहे हैं। उनके ध्यान में ऑलरेडी कुछ चीज़ें चल रही हैं तो वो नोटिस ही नहीं कर रहे कि रोड के साइड पे एक स्टैंड भी है। इस बात से विलेजर्स बहुत दुखी होते हैं। वो अपनी डिसअपॉइंटमेंट को हैंडल कर ही रहे होते हैं कि इसी टाइम पर उन्हें पता चलता है कि कुछ सिटी ड्वेलर्स, शहर के कुछ लोग उनकी इस स्टैंड के बारे में कंप्लेन कर रहे हैं। वो कंप्लेन कर रहे हैं कि उनके जो रॉन्गली पेंटेड साइंस हैं, जो उन्होंने साइंस बना रखे हैं, वो उस पूरी एरिया की ब्यूटी को ख़राब कर रहे हैं। इस बात से उनके अंदर एक फीलिंग ऑफ एंगर आ जाती है। इस एंगर से यार वो मजबूर हो जाते हैं ये सोचने पर कि जब इन शहर के लोगों के पास इतना पैसा है ही तो वो थोड़ा सा सामान उनके स्टैंड से क्यों नहीं खरीद सकते। तो इस स्टैंजा में हमें पता चला कि जो गाड़ियां वहां से जा रही हैं वो इन रोड साइड स्टैंड्स पे कोई भी अटेंशन पे नहीं कर रही। अटेंशन तो दूर की बात है पर वो कंप्लेन कर रहे हैं कि उनके जो साइंस पेंटेड हैं, विलेजर्स ने जो साइंस लगाए हैं अपने स्टैंड पर, उससे उस एरिया की ब्यूटी खराब हो रही है। अब हम आते हैं स्टैंजा थ्री पे जो है लाइन 16 से लेके लाइन 22 तक। लाइन 16 के फर्स्ट वर्ड्स हैं द हर्ट टू और लाइन 22 के लास्ट वर्ड्स हैं कीपिंग फ्रॉम अस। इस स्टैंजा में पोइट हमें बताते हैं कि जो सीनिक ब्यूटी खराब हुई है जिसके बारे में हमने बात करी है लास्ट स्टैंजा में, वो उनका कंसर्न बिल्कुल भी नहीं है। उन्हें उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। उनको ज़्यादा फिक्र इस बात की है कि जो अनफुलफिल्ड प्रोमिसज हैं विलेजर्स के और उनके जो डिज़ायर्स हैं उनका क्या होगा। अब अनफुलफिल्ड प्रोमिसज क्या है यार? कुछ दो पैसे कमाने के चक्कर में जो रोड साइड स्टैंड विलेजर्स ने लगाया है वो इसीलिए ताकि वो अपनी लाइफ को बेटर कर सके। जो चमक धमक वो शहरों में देखते हैं, जिस लाइफ से वो फैसिनेट होते हैं, उसी की चाह में उन्होंने रोड साइड स्टैंड लगाया था। पर क्योंकि ये फेल हो रहा है, यहाँ से लोग ज़्यादा चीज़ें खरीद नहीं रहे हैं, तो वो सोचते हैं कि अब वो अपनी लाइफ को बेटर कैसे करें। जो लाइफ उन्हें मूवीज़ में दिखाई जाती है, जो गवर्नमेंट उन्हें प्रॉमिसेस करती है, जब वो पूरे नहीं होते और उनकी लाइफ की कंडीशन वैसी की वैसी रहती है और कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिखाती तो उन्हें बहुत बुरा लगता है। पोएट भी इसी कंसर्न के बारे में बात कर रहे हैं कि इन विलेजर्स का क्या होगा, इन रूरल लोगों के बारे में कौन सोचेगा, क्योंकि शहर के लोग तो अपनी लाइफ में बिजी हैं, उन्हें तो किसी से कुछ मतलब नहीं है। वो इतने सेल्फिश हो चुके हैं कि वो इन विलेजर्स को पूरी तरह से निग्लेक्ट कर रहे हैं, इनके बारे में बिल्कुल भूल चुके हैं। अब हम चलते हैं स्टैंजा फोर की तरफ। स्टैंजा फोर में पोइट हमें बताते हैं एक न्यूज़ के बारे में जो उन्हें पता चली है। अब ये न्यूज़ क्या है?
न्यूज मिली है कि जो गवर्नमेंट है उसने डिसाइड करा है कि सारे विलेजर्स को वो मूव कर देगी नियर द थिएटर्स एंड द स्टोर्स. थिएटर्स और स्टोर्स के पास उनको किस लिए मूव करा जा रहा है यार, क्योंकि वहाँ पर है सिटी ड्वेलर्स. जो लोग शहर में रहते हैं वो अक्सर थिएटर और स्टोर के आसपास पाए जाते हैं क्योंकि वो रेगुलरली वहाँ जाते हैं. तो इसलिए उन सबको वहाँ मूव कर दिया जाएगा ताकि जो शहर के लोग हैं वो उनकी हेल्प कर सकें उन्हें चैरिटी देकर. पर यहाँ पर पोएट दिखाते हैं अपना डिसकंटेंट टूवर्ड्स चैरिटी. डिसकंटेंट मतलब वो चैरिटी को नापसंद करते हैं, वो पूरे इस आइडिया के ही अगेंस्ट हैं. क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि जो विलेजर्स इतने खुददार हैं, जो अपनी मेहनत से कुछ पैसे कमाना चाहते हैं, उनके इस स्पिरिट को मार दिया जा रहा है. कैसे मार दिया जाएगा इस स्पिरिट को? क्योंकि अब वो खाली बैठे रहेंगे, आइडल बैठे रहेंगे, तो जो शहर के लोग आएंगे अपनी चैरिटी उन्हें देंगे और उन्हें लगेगा कि उन्होंने उनकी लाइफ बेटर कर दी. पर अगर हम सोचें यार, तो हम चैरिटी ना अपने लिए करते हैं, हमें लगता है हम दूसरों के लिए कर रहे हैं, पर हम अपने पीस ऑफ माइंड के लिए, अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए चैरिटी करते हैं. और इसी पूरी आइडिया के अगेंस्ट है हमारे पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट. अब आता है स्टैंसा 5. स्टैंसा 5 है लाइन 32 से लेकर लाइन 43 तक. लाइन 32 के फर्स्ट वर्ड्स है समटाइम्स आई फील, और लाइन 43 के लास्ट वर्ड्स है डिडंट इट सी. अब इस स्टैंजा में पोएट बात कर रहे हैं उस दुख, उस डिसअपॉइंटमेंट, इस फीलिंग ऑफ वेन के बारे में जो ये रोड साइड स्टैंड के ओनर्स फील करते होंगे जब ये पूरे टाइम अपनी खिड़की पे सिर्फ उस एक गाड़ी का इंतज़ार कर रहे होंगे जो उनसे आकर उनका सामान खरीदेगी. अब हमें ये तो पता है कि हज़ारों गाड़ियाँ हैं जो वहाँ से क्रॉस कर रही हैं पर इन्हें बिल्कुल भी अटेंशन नहीं दे रही. पर इस स्टैंजा में कुछ गाड़ियाँ हैं जो उस रोड साइड स्टैंड पर रुकती ज़रूर हैं पर उनका पर्पस कुछ और होता है. जो पहली कार रुकती है वो सिर्फ प्राइस पूछकर चली जाती है. जो दूसरी कार रुकती है वो वहाँ रुकती ज़रूर है पर सिर्फ एक टर्न लेने के पर्पस से, उसको वहाँ से अपनी गाड़ी मोड़नी होती है. तीसरी कार रुकती है रास्ता पूछने के लिए. जो चौथी कार रुकती है वो वहाँ उनसे पूछती है कि क्या वो गैस बेचते हैं बाकी सारे सामान के साथ. गैस से मतलब है जो पेट्रोल या फ्यूल जिससे गाड़ी चलती. जो ये लास्ट क्वेश्चन होता है इससे विलेजर्स को बहुत गुस्सा आता है. उनको लगता है कि क्या इन्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मेरी शॉप पर सिर्फ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अवेलेबल हैं, वो तो ये खरीद नहीं रहे और मुझसे फालतू के क्वेश्चंस और पूछ रहे हैं. अब हम चलते हैं अपने लास्ट स्टैंजा की तरफ जो है स्टैंजा 6, और ये स्टैंजा है लाइन 44 से लेके लाइन 51 तक. इस स्टैंजा में यार पोएट अपना कंसर्न एक्सप्रेस करते हैं, अपनी फिक्र हमें बताते हैं कि कैसे वो ये सोचते हैं कि एक कंट्री में पैसा बहुत है, डेवलपमेंट तो हो रही है, पर उससे फ़ायदा कौन करता है? वो है शहर के लोग जो है अर्बन पीपल. अर्बन लाइफ बेटर होती जा रही है और जो रूरल लाइफ है, जो गाँव की लाइफ है, वो वहीं उसी स्टैग्नेंट, उसी स्टेज पर है जहाँ वो पहले थी. इससे यार क्या हो रहा है, जो डिफरेंस है रूरल और अर्बन लाइफ में वो बढ़ता जा रहा है जिससे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं. तो ये जो रूरल लाइफ में लोग प्रॉब्लम्स फेस करते हैं इन्हीं के बारे में पोइट हमें बताते हैं कि वो नहीं जानते इनका सलूशन कैसे मिलेगा क्योंकि इन्हें तो हमेशा निग्लेक्ट किया गया है. निग्लेक्ट मतलब गवर्नमेंट ने कभी ज़्यादा ध्यान इन पर नहीं दिया. कुछ स्पेसिफिक स्कीम्स या कुछ स्पेसिफिक प्लान सिर्फ इनकी लाइफ के बेटर बनाने के लिए कभी नहीं लाए गए हैं. पर यार इसी के साथ वो उम्मीद नहीं छोड़ना चाहते कि इनकी लाइफ भी बेटर हो सकती है. वो पोएम को एंड करते हैं ऑन अ नोट ऑफ होप, उम्मीद. उन्हें अभी भी ये आशा है, उन्हें लगता है कि कोई आएगा जो इस चेंज को ज़रूर लाएगा, उनकी लाइफ्स बेटर होंगी. पोएट को यार आज भी ये उम्मीद है कि आज चाहे सिचुएशन जितनी भी ख़राब क्यों ना हो, ये सिचुएशन एक दिन ज़रूर ठीक होगी. इस चेंज को लाने के लिए कुछ लोग आएंगे और उनकी हेल्प ज़रूर करें. एक बात और यार, हो सकता है आपको नोट्स में रूरल की जगह कहीं कंट्री पीपल के बारे में भी लिखा हुआ मिले, तो कंट्री पीपल का भी मतलब विलेजर्स ही होता है और सिटी पीपल का मतलब होता है जो लोग शहर में रहते हैं. अब हम चलते हैं आपकी टेक्स्ट बुक की तरफ जहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑलरेडी मार्क करे हुए. पोएम का नाम है अ रोड साइड स्टैंड और इसकी पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट. यहाँ हमें लोकेशन पता चलती है स्टैंड की, एट द एज ऑफ द रोड. रोड के साइड पे वो इसलिए होता है ताकि वो शहर से आती हुई गाड़ियों की अटेंशन अपनी तरफ खींच सके. ट्रैफिक वहाँ बहुत तेज़ी से आ रहा था. जो स्टैंड की कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी, वो ज़्यादा डेकोरेटेड नहीं था, बहुत ही पोअर तरीके से उसे सेटअप करा गया था. यहाँ इसका मतलब है यार कि वो नहीं चाहते थे कि वो पैसे मांगे,
वो पैसे कमाना चाहते थे। तो इससे हमें पता चलता है जो गांव के लोग थे वो बहुत ज़्यादा खुददार किस्म के लोग थे। उन्होंने ये स्टैंड इसीलिए लगाया था यार ताकि वो कुछ पैसे कमा सकें, वही पैसे जो सिटीज़ की लाइफ को भी बहुत ज़्यादा बेटर बनाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है द पॉलिश ट्रैफिक पास्ड विद अ माइंड अहेड। पॉलिश ट्रैफिक से मतलब है कि जो सिटी के लोग हैं वो अपने लाइफस्टाइल को एक बहुत एलीट तरीके से प्रेजेंट करते हैं, बहुत सोफेस्टिकेटेड तरीके से, एकदम ऐसे सिविलाइज्ड और एकदम जेंटल उनका मैनरिज्म होता है। उसी से यहाँ पे यूज़ करा गया है पॉलिश्ड ट्रैफिक विद अ माइंड अहेड का मतलब है यार कि वो उन स्टैंड्स पर ध्यान ही नहीं दे रहे थे, उनके दिमाग में ऑलरेडी कुछ चीज़ें चल रही थी जिससे वो बस गाड़ी आगे चलाए जा रहे थे। अटेंशन ना देने के साथ वो कंप्लेन भी करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि रोड की ब्यूटी स्पॉइल हो रही है उनके साइंस से जो कि बहुत गंदे तरीके से बनाए गए हैं। गोल्डन स्क्वॉश आपकी एक तरह की सब्जी होती है। इन दो लाइंस में यू हैव द मनी बट इफ़ यू वॉन्ट टू बी मीन वाई कीप योर मनी दिस क्रॉसली एंड गो अलॉन्ग। इसमें ये विलेजर्स बोल रहे हैं उन सिटी के लोगों को, वो उनसे कह रहे हैं आपके पास पैसे तो हैं पर आप ये पैसे हमें क्यों नहीं दे रहे, हमसे हमारा सामान क्यों नहीं खरीद रहे, इतने सारे पैसे लेकर आप जाएंगे कहाँ। यहाँ पर पोएट हमें ये बताते हैं कि जो विलेज के लोग हैं उनके साथ कुछ प्रोमिसज हैं जो पूरे नहीं करे गए हैं। ये प्रोमिसज उन्हें करे हैं मूविंग पिक्चर्स यानी कि मूवीज़ ने, और पार्टी इन पावर से मतलब है वो गवर्नमेंट जो उन्हें प्रोमिसज करती तो है पर उन्हें पूरा नहीं करती है। इसी कंसर्न को वो एक्सप्रेस करते हैं यहाँ पे कि इन विलेजर्स की लाइफ को कौन बेटर करेगा और इनके सपने कौन पूरे करेगा। यहाँ में हमें पता चलता है अबाउट द न्यूज़ कि अब जो विलेजर्स हैं उन्हें थिएटर और स्टोर के आसपास शिफ्ट कर दिया जाएगा। थिएटर और स्टोर के पास उन्हें इसलिए शिफ्ट कर दिया जाएगा क्योंकि जो सिटी के लोग हैं वो अक्सर इन जगहों पर जाते हैं और अगर उन्हें विलेजर्स यहाँ पर दिखेंगे तो वो उनको अपनी चैरिटी दे सकते हैं। इसी के साथ साथ पोएट अपना डिसकंटेंट टुवर्ड्स चैरिटी भी एक्सप्रेस करते हैं। डिसकंटेंट का मतलब होता है नामंजूर, उन्हें नापसंद था चैरिटी का पूरा कॉन्सेप्ट। यहाँ पे उस सैडनेस की बात हो रही है जो ये विलेजर्स फील करते होंगे जब ये पूरे टाइम खिड़की पे वेट करते रहते हैं कि कोई गाड़ी आएगी और इनसे इनका सामान खरीदेगी। इस स्टैंजा में कुछ कार्स ज़रूर रुकती हैं, पहली कार प्राइस पूछती है, दूसरी कार सिर्फ यू टर्न लेने के लिए वहाँ रुकती है, तीसरी कार रास्ता पूछती है और चौथी उनसे पूछती है कि क्या वो गैस यानी कि फ्यूल बेचते हैं कि नहीं। लास्ट स्टैंजा में यार हमें पता चलता है कि एक कंट्री में कितनी भी डेवलपमेंट क्यों ना हो उसकी असली मायने में डेवलपमेंट तभी होगी जब रूरल और अर्बन लाइफ साथ चल सके, उनका डेवलपमेंट रेट बिल्कुल सेम हो। रूरल लाइफ मतलब वो लाइफ जो विलेजेस में होती है और अर्बन लाइफ वो जो सिटीज़ और शहरों में होती है। पोएम एंड होती है ऑन अ नोट ऑफ होप जहाँ हमें पोएट ये बताते हैं कि दो सिचुएशन आज तो ख़राब है पर उन्हें पूरी उम्मीद है कि आगे चलकर कुछ चेंजेस आएंगे, कुछ लोग आएंगे जो उनकी हेल्प ज़रूर करेंगे। तो यार इसी के साथ हमारी पोएम ख़त्म होती है। ये थोड़ी लंबी पोएम है, आई होप अब आपको ये वीडियो देखने के बाद इस पोएम का एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल चुका है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नोट्स और क्वेश्चन आंसर्स को ज़रूर अटेम्प्ट करना, उससे आपकी प्रैक्टिस होगी और क्योंकि ये चैप्टर कभी पहले नहीं पूछा गया है तो इस चैप्टर से क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और आपको कोई भी और प्रॉब्लम है आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। टिल देन Bye-bye, see you in the next video and thanks for watching.